सचिव साहब की नहीं है बस की बात है, किसके बस की बात है। गन्ना तो हम इन्हीं तक दें, गन्ना तो हम सोसाइटी तक दें, सोसाइटी ने हमारा परमिट करवाना चाहिए, सोसाइटी अपना ब्याज तो कटे सारा, परमिट तो थाम रखा मील वाले ने, और ब्याज कटेगा मेरे पते, तो मेरी क्या खता है इसमें, आप ही बताओ मेरी क्या खता है इसमें। क्योंकि जो आज हमारा परमिट हमें के मतलब है, और बात है बस इन्हें मिल वालों को सख्त कर कर इस पर साढ़े पे बुलडोजर चलावे, बुलडोजर का डर यहाँ नहीं है, बुलडोजर का ही नहीं, हाँ नहीं इस पर ढा दे से साढ़े को नहीं देता है पीछे किसान के, भाई भुक्का है किसान यहाँ से, तो किसान बैठे यहाँ हमारी डीसीओ नहीं सुने, ये भी लखनऊ की बात बता दे, सचिव है वो भी लखनऊ की बात बता दे, ये भी किसान लखनऊ जाएगा बैठेंगे जो कि तो भाई और तो इलाज रहा नहीं कुछ, ये लखनऊ भी जाना जाना है, अरे ईब 2024 में लखनऊ भी दिल्ली भी सब इनके पास ही होगी, और उनका वहाँ जो उनसे बैठे में वादा करा रहे उनका कुछ नहीं बिगड़ता, मरना भाई लोकल नेताओं का कपड़े हम इतनी इनके पड़ेंगे जो उनसे बारे दो होंगे। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त शामली में है और शामली में किसान धरने पर बैठे हैं पिछले 10 दिन से गन्ना भुगतान को लेकर। आपको बता दें कि समय समय पर उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली हो या मुजफ्फरनगर हो, ये समस्या लगातार किसानों के सामने आ रही है पेमेंट की, और आज भी किसान बैठे और ये लगभग पिछले 10 दिन से बैठे, इनसे बातचीत भी करेंगे, 15 दिन से बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान कैसे होगा कैसे नहीं होगा, डर क्यों रहे हो, कब से बैठे हो ये तो 15 दिन से, कोई आया पूछने टोकने? नहीं कोई नहीं आया, कोई टोकने वाला ही नहीं? नहीं कोई नहीं आया। तो क्या समाधान होगा वैसे, कब तक बैठोगे? जब तक बैठा जाएगा, जब तक बैठा जाएगा। हाँ, काम काज कैसे चल रहा, खेत कब गन्ना बंधाई का भी सीजन चल रहा? बंधाई करते हैं 12 बजे तक, फिर धरने में आ जाओ। 12 बजे तक खेत में काम करते हैं, गन्ने की बंधाई भी उस गन्ने की बंधाई में लग रहे हो जिसका पेमेंट नहीं मिल रहा? हाँ जी, उसमें मन रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं उधर, उनसे बातचीत करेंगे, मैं आगे ही चलता हूँ इनसे बातचीत करें। ये बड़े में है, इनसे बैठे हैं, ओके की गुड़गुड़ाहट के साथ चर्चा भी चल रही है। जी बड़े मियाँ, कब से बैठे यहाँ पे? यहाँ तो रोज बैठे हैं, 15 दिन हो लिए। कोई सुनने वाला आया नहीं आया? हाँ बहुत सुनने वाले आवे, समस्या का समाधान वाले भी आए नहीं? सीचिव आ जा बस, तो फिर कुछ कह के भी जावे कि बैठ के ही चला जावे? वो बैठ के चले जाओ, कुछ कह दे बोले, मेरे बस का नहीं करूँगा, सोचूंगा कुछ बंदो कह दे। तो समाधान कैसे होगा ऐसे, कब तक बैठे रहोगे? जब तक ये हमें हमारा पेमेंट नहीं करे जब तक बैठे रहेंगे। आपको लगता है हर साल का ही काम हो गया पूरे? कई तो बिल वाले कहीं जाकर स्कूल में जाओ उनकी फीस, हमें दाबू फिर हमें आके बैठ जा, के करे बता, मजबूरी हो जा। क्यों जी? ठीक है जी, बैठ के टाइम काटना पड़ रहा बस, यहाँ और बैठ के चल जाओ, आश्वासन कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ, यहाँ नहीं मिल रहा कुछ भी। ऐसा तो नहीं कि उम्मीद ही टूट जाए भाई, आगे यहाँ कुछ सहारा तो लग नहीं रहा? अजी लगेगा सहारा, बिल्कुल लगेगा। हम जब तक यहाँ किसान नहीं जाएगा, जब तक पेमेंट नहीं होगा, जब तक हम यही डटे रहेंगे, छह साल हो जो। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी कोई जवाब नहीं देते, जो मुख्य हमारे बस की बात है कर देंगे, बाकी हो रहा कुछ नहीं। बस के किसकी है? बस के तो इन्हीं की है, डीसीओ साहब की, सचिव साहब की, नहीं है बस की बात है, और किसके बस की बात है? गन्ना तो हम इन्हीं तक दें, गन्ना तो हम सोसाइटी तक दें, सोसाइटी ने हमारा परमिट करवाना चाहिए, सोसाइटी अपना ब्याज तो कटे सारा, परमिट तो थाम रखा मील वाले ने, और ब्याज कटेगा मेरे पते, तो मेरी क्या खता है इसमें, आप ही बताओ मेरी क्या खता है इसमें। और चुनाव में मेला लगाया हूँ, 50-50 गाड़ी लेके आवे नेता, दे दो वोट इस बार, दे दो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई वहाँ भी सुनवाई है वो भी आए पूछने के भाई क्या दिक्कत हो? कोई नेता हमारे बीच में ऐसा नहीं है, प्रसन्न चौधरी के सुबह है, प्रसन्न चौधरी आए और मैं वहाँ भी लेटे और उन्हें यहाँ भी बात कही, तो कह देंगे हम सत्ता में नहीं। मैं सत्ता में नहीं है बस, क्यों कहो नू कहो, बाकी अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कह तो रहे किसानों के बारे में मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं, हर के करे और मैं किसान तो अपना रोना ही रो, सत्ता वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सत्ता वाला कोई नहीं आया, हम तो अपना रोना रो ही सके, सुनने का काम तो ये सरकार का या अधिकारियों का है, सुनना काम तो सरकार का है या अधिकारियों का है, मिलते ना जाके लोकल से, सांसद से और जो नेता हैं सत्ता वाले बीजेपी वाले, हमारे इनका विचार यू है, हम किसी का बाहर मिला नहीं जाएंगे, जिसने मिलना होगा हमारे यही मिलेगा, जो बात होगी मेरे बीच में होगी, है ना, हम 5 आदमी जाके कोई बात करेंगे,
ना हम पांच आदमी कोई सलाह करेंगे, जो सलाह होगी सबके बीच में होगी। हाँ तो उम्मीद है कुछ नहीं है? उम्मीद है कुछ नहीं तो पूरी करें, हम पूरी करें। और जी बताओ आप भाई, इस बीजेपी सरकार तक क्या उम्मीद कर सके? जिस टाइम ने मोदी योगी शामली में आए थे, उन्होंने पहले भी पता था कि यहाँ का गन्ना पेमेंट खराब चल रहा। उन्होंने यहाँ वादा करा था कि 14वें दिन पेमेंट देंगे हम शामली गन्ना किसानों को, 14वें दिन पेमेंट मिलेगा। आज तक तो कोई 14वें दिन पेमेंट हमें मिला नहीं। हमें 14 महीने भी हो गए, 24 महीने भी हो गए, ना तो कोई लखनऊ तक कोई समाचार आता गन्ना किसानों के बारे में, ना इनका कोई अखबार छापता। लेकिन ये समाचार तो आता हो गया कि आपके पास में जिला सहारनपुर है पेमेंट हो गया, और सारे जिले है पेमेंट हो गया। सब मुजफ्फरनगर में हो लिया, सहारनपुर में हो लिया, सब मील करे। शामली जिले की 3 मील है जो पेमेंट नहीं कर रही। ये योगी जी जो है हमारे यहाँ वो बना रहे शिमला भी जा। ये सरकार से बड़े हो गए क्या? हाँ सर, योगी जी सरकार से बड़े हो रहे। नहीं ये मील बड़े हो गए क्या? मील तो सरकार थे, सरकार जो है मील थी चल रही, या सरकारी मिलो तो चल रही। ये पैसा वहाँ दे दे, मारते ना देगा। योगी जो बात है, हमारा पेमिट हमें के मतलब है, और बात है बस इन्हें मील वालों को सख्त कर कर नहीं, इस पर साढ़े पे गुलडेजर चलावे। बुलडोजर का डर यहाँ नहीं है, बुलडोजर का ही नहीं यहाँ, नहीं इस पर ढा दे साढ़े को, नहीं देता है पीछे किसान के। भाई बुक्का है किसान यहाँ से, मान लो फीस नहीं जा रही, बिल नहीं जा रहे, डेढ़ बिन्ने के पेमेंट में के हो। तो आज तक का पेमेंट आएगा शामली मिल का? 25 दिसंबर लोग का आया, 25 दिसंबर लोग का, और चला पूरी मई दे। वो महीने चल गए, ये भी इस साल का नहीं का। शुरू होने वाला भाई अक्टूबर में अगला सीजन तैयार खड़ा, लेकिन पिछला पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान भुखमरी के कगार पर जा रहा, सरकार कोई सुध ले नहीं रही। क्या जो योगी जी और ना के जो है वह बना रहे भाई, यू फंड उसके ना का बना दिया, यू फंड उसके ना किसानों का ना का फंड बना दो एक। ये जितनी बीमार मील है इनका थोड़ा थोड़ा लोन देगा, पेमेंट करवा दो किसानों का। 2024 में नहीं आऊंगे क्या किसानों के पास? 2024 तो आवेंगे, आने वाले हैं, हो सके पहले ही हो चुका कर जाएगा, बहिष्कार करा जाएगा, कोई यहाँ बड़ा नहीं देने का किसान। तो सांसद हैं आपके और नेता हैं बीजेपी के, उनसे मिलना कौन सा हमारी सूद ले लिया है? यहाँ 15 दिन से बैठे कोई सांसद एमपी एमएलए कोई आया के मारा थोड़े तो किसान बैठे यहाँ। हमारी डीसीओ नहीं सुने, ये भी लखनऊ की बात बता दे, सचिव है वो भी लखनऊ की बात बता दे, ये भी किसान लखनऊ जाकर बैठेंगे योगी जी तो भाई, और तो इलाज रहा नहीं कुछ, ये लखनऊ भी जाना जाना है। अरे ईब 2024 में लखनऊ भी दिल्ली भी सभी इनके पास जाओगी, और उनका वहाँ जो उनसे बैठे में वादा करा रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, मरना हुआ इन लोकल नेताओं का कपड़े हम इतनी इनके पड़ेंगे जो उनसे बारे दोहरा होंगे भाई, तो इन्हें भेजेंगे जाओ भाई वोट मांगो। हम उनसे बताओगे भाई हमारा पेमिट कहाँ है, और 14वें दिन का जो आश्वासन हमने दिया था पूरी जनता एक डब्बा अंधी होगा टूट। ये तो पता ही है, ये तो लोकल के हैं, जानते ही हैं पेमेंट आ रहा नहीं यार। हम तो इनसे भी कह रहे हैं, आप हमारी आवाज़ वहाँ क्यों नहीं उठाते भाई? लखनऊ में जाकर हमारी आवाज़ उठाओ, हमारे जो नेता हैं भाजपा के भी नेता है, लोकदल के भी हैं, सपा के भी हैं, हमने सरों से आवाज़ जो हमारी आवाज़ उठाओगे हम तो उस वोट देंगे। जो किसान की आवाज़ उठाओ जी, जो हमारे पीछे दुआ होगा हम तो उसी के हो जाए फिर। मान लो जी, मान लो हमारी कोई सुनता नहीं, इसी से नाराजगी नहीं, जो काम करेगा वो है, जो हमारा काम करेगा बैठिया, हमारे पीछे दुआ हो सब किसानों के, वो किसी पार्टी का हो, किसी कोई भी हो, हमारे डबता है जी, मार धोरे परेशान आवे जी। तो कुछ लोग और भी हैं, युवा साथी भी यहाँ से बात की जीत करेंगे। हाँ जी, किसान यूनियन कुछ मामला बन रहा नहीं, और जगह तो डेरा जमा दो, जहाँ धरना दे दिया कुछ ना कुछ करोगे, यहाँ 15 दिन से बैठे सुध नहीं लेने वाला कोई। कोशिश करे डीसीओ सचिव साहब है, इनके हाथों में जो कुछ है, सचिव तो बैठा रखा बैठा होगा, क्या करेंगे जब कुछ मिल नहीं रहा। मैं लगा कुछ इनने तो 3-4 में 2 महीने पहले भी कहा था शामली गेट पे, मैं 40% घोषणा कर दी भैया, 40% तो पैसा तुम्हारा ही मिल जाएगा, और बाद में हम मान नहीं रहे किसान, 40% ना कर दी घोषणा। उधार मांग रहे हैं, तुमने समझौता कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं हम 30% ले लो, 20% ले लो क्यों भाई? बात तो बताओ तुम, डीसी और सचिव के हाथ में कुछ नहीं गए, अभी मील वाले कर्मचारी तो अधिकारी सब बहुत हो गए, लेकिन डीसीओ सचिव के पास में कुछ नहीं, उनका पद की कोई वो नहीं भाई। वह तो डीसीओ तो जिला अधिकारी है गन्ने के, पूरे अरंगे के जितने भी गन्ने के संबंधित है सहरू के जिला अधिकारी है, चाहे तो पद को अपने खत्म करे इस डीसीओ को, सचिव को, जब इनके हाथ में कुछ नहीं है, जब भी कुछ बात हो कहे लखनऊ चले जाओ, क्यों जाओ हम लखनऊ, कहे वहाँ बात करो, वह बैठा है डीसी पीसीओ के बैठा है वहाँ सहारनपुर, इतने पद हैं। अरे डीसीओ तो जिला अधिकारी है गन्ने का, तार तो बात करेंगे भाई, हम तो सीधा कहें अगर सचिव और डीसीओ के हाथ में कुछ नहीं है, इस पद को खत्म कर दो,
क्यों नहीं मानते तुम मेरी? अब जा कितने दिन तक धरना चल रहा? कोई सा बीच में आया, कोई सा अपनी बात कहे, कोई सा मानना है मेरी? अरे जो कर इनके आने का फायदा क्या, बैठने का फायदा क्या? यहाँ आके बैठ के टाइम एक घंटा दो घंटा बैठ के जाए, आपका मन खुश करके चले गए, कह गए कि भाई साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मन खुश तो है, दावत तो है नहीं, मन खुश हो रहा भाई साहब। ये तो अधिकारी तो मन खुश करके जाते हैं, किसान खुश हो जाते हैं कि अधिकारी आ गया भाई, बात सुनेगा, लेकिन वो कह के चले जाएगा घंटा बाद कि भाई साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक किलोमीटर बगल तो दिख जाना है, किसान खुश हो जाएगा, ले आ कुछ लेके आ भाई, फाइल फूल सब चीज लेके आवे, लेकिन कुछ भी बात बताने को तैयार नहीं अधिकारी, हमारी बात मानते ही नहीं। हम कहे हमारे चेंज करो, जितने सेंटर हैं सारे हम नहीं देना चाहते शामली मिल को। भाई कोई घर में आदमी आ रहा है मुझे कह रहे तू भाग, वो भागता नहीं, उसका बेकारा कौन हो सका है? हम चाह रहे हम रहना ही चाहते थारे दौरे, हमें भगवता में आता, हम खुद भाग रहे भाई, भगाने की जरूरत नहीं, हमें भगा नहीं देते, पकड़ के बैठे हम, कह रहे नहीं यहीं घेरोगे गंडा, हम घेरते नहीं भाई, साफ सुधी बहुत शामली मिल पकड़ा, चश्मा कुछ ही हो हमें सेंटर चाहो तो दूसरा सेंटर मिलेगा तो ही तो विकल्प है, अगर ना मिला तो फिर मजबूरी में डालने पड़ेंगे। सेंटर लेंगे, ये तो हर बार देखते हैं किसान गांव में सेंटर के लिए भी विरोध करते हैं, मिला नहीं मिला, इस मिल का नहीं उस मिल का, वो फला का, लेकिन आपको ये भी पता है कि 10 दिन से ज़्यादा किसान गन्ना भी नहीं रोक पाता, किसी को गेहूँ बोने की समस्या है, जल्दबाजी सबकी है, तो इस बार भी ये अगर परमिशन नहीं देंगे तो मजबूरी में डालना तो फिर भी पड़ेगा। सरकार की अधर्मिता है, सरकार नहीं चाहते कि मन किसानों का गन्ना भुगता, अगर सरकार चाह 24 घंटे के अंदर मिल को हैंड ओवर करके किसानों को पेमेंट कर सकती है, सरकार की अधर्मिता का कारण नहीं पेमेंट होता। सरकार क्यों नहीं चाह रही? चाह नहीं भाई, चाहती तो मैं कहता हूँ मिल वाले के पास, मैं कहता हूँ मिल वाले के पास पैसा नहीं, सरकार दे अपने पास से, या इसका मिल को हैंड ओवर कर ले किसानों को पैसे दे, सरकार चाहे तो होगा, सरकार नहीं चाहती तो नहीं होगा। अरे सरकार जी गन्ना उन्ने का काम तो बंधाएगा भाई, चल दिन में वहाँ जाते होंगे। हाँ जी खेत में किसान यहाँ रहे। हाँ जी दरअसल हमारा एरिया जो है यहाँ एक शब्द है, उसमें उन्होंने कह दें कह लवा बुरान हो रहा है ऐसा, तो यहाँ की अब बोली भाषा ऐसी है कि बुरान हो रहा, तो ऐसा मेल वाले को हो रहा बुरान, इसे कुछ रुद शुद्ध दिख ना रही, ये है कारण, और कोई ऐसी बात नहीं। कुछ लोग उधर भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं मंच पे बैठे लोग, इनसे बातचीत करेंगे, डीसीओ साहब अधिकारी सब बैठे हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे। आ जाओ मैं कहूँगा थोड़ा इधर आ जाओ आप, 2 मिनट सर, 1 मिनट की बात करनी है, बैठ जाएं थोड़ी, 1 मिनट ये पत्रकार बंधुओं से बात कर ले फिर सुनाऊंगा जी। धरना तो लंबा चल रहा, पहले भी चला, ये तो खेल हो गया हर महीने का। हाँ जी, समाधान क्या है? समाधान पेमिट, ये पेमिट दे देंगे समाधान हो जाएगा, बैठे हम भी यहाँ से, ऐसा ही गुरु मरना, ऐसा ही यहाँ मरना बुक्कू को। ये अधिकारी साहब भी बैठते हैं रोज यहाँ, समस्या सुनने आते हैं, आप क्या करने आते हो, कुछ समाधान इनको किसान का है कि नहीं है सर, ये बताओ। नहीं, मेरे हाथ में जितना समाधान था, मेरे इनकी एक मांग थी किसानों की कि हमारे जो गन्ना क्षेत्र है चीनी मिल गेट का या सेंट्रो का, वो दूसरे चीनी मिलों में उसका प्रस्ताव किया जाए जो नियमित गन्ना मूल्य भुगतान करती है, वो मैंने कर दिया। रही गन्ना मूल्य भुगतान की, तो उनसे रोजाना संपर्क में चीनी मिल से बात होती है, भाई भुगतान ज़्यादा से ज़्यादा करो अपने सोर्स से करो, लेकिन नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं, समस्या ये है डीसी साहब के पूरे प्रदेश में दिक्कत ये शामली में ही है। सचिव साहब पूरे जो समस्या है शामली में, आपके पड़ोसी जिले जितने हैं सबका पेमेंट हो गया, इन किसानों का ही दोष है कि शामली में पैदा हो गए, यही आपकी गलती है कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई, हर दिन झेलना पड़ रहा आमना सामना। खेलने वाली बात नहीं, ये तो भुगतान होना चाहिए था, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, किसानों की मांग नाजायज नहीं है, गन्ना मूल्य भुगतान होना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसमें चीनी मिल प्रशासन दोषी है। तो मामला तो लग नहीं रहा ना सीधे चढ़ता, कुछ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि आप भी मजबूरी दिखते हैं कहीं ना कहीं, आप मजबूरी जाहिर करते हैं कि भी आपके भी हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन किसान जाए तो जाए कहाँ, फिर समस्या यही होगी। मजबूर नहीं है यहाँ के अधिकारी, बिल्कुल मजबूर नहीं है, हमारे शामली मिल का जितना भी जो किसान के द्वारा गन्ने से चीनी या सीरा या बैगास बनती है, वो इन सचिव महोदय जी के और डीसीओ के जो है साइन से ही जो है बाहर निकल के जा रहा है, उसमें इन लोगों की भी मिला भगती है, कौन कहता है ये मजबूर है, इनकी मिला भगती है, इनके साइन के बगैर कैसे चला जाएगा, किसान तो मजबूर कर दिया इन लोगों ने जो है, किसान तो इस हालात में कर दिया कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा है इस समय, और मजबूर होकर के यहाँ बैठा है, और हमारी केवल एक ही मांग है, हमारा बकाया का संपूर्ण जो है तुरंत भुगतान और आगे के लिए हमारा स्थायी समाधान, जब तक यह नहीं होगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं,
और ये धरना जो चल रहा है केवल किसानों का धरना है, ये किसी संगठन का या किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी और अन्य संगठन के बैनर तले का जन धरना नहीं है। इसमें संगठन और बैनर की तो बात ही नहीं है, किसान है, पेमेंट आया ना, सबको पता है दिसंबर का पेमेंट आया, अब नवंबर आ गए, सितंबर आ गया, सॉरी 15 दिन की बजाय 250 दिन आप बैठे हो। आप एक दुकान पे जाए 5 रुपए की चीज़ नहीं खरीद सकते बिना पैसे के, पैसे देने पड़ेंगे पहले। और आप है डालते सर्दी में गर्मी में जैसे भी झूझ के डाल भी रहे हो, और फिर यहाँ ये तो डबल होगी ना आपकी मजदूरी, अब बैठने यहाँ पर क्या, बंधाई का भी काम चल रहा है आपके गन्ने की, गांव में पशु भी है उनका भी है, सब कुछ काम देखना पड़ रहा है और फिर यहाँ टाइम देना पड़ रहा है। इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में खोट है ये, और ख़ास करके शामली जिले की, ये किसानों ने किसान इन्होंने तबाह कर दिया, इनका इलाज होगा, इनका यहाँ किसान बैठे नहीं उठ के जाएंगे, इनका इलाज करेंगे, हमारा तो इलाज कर दिया इन्होंने, पर इलाज इनका हम भी करके जाएंगे, हम भी इस मिल में वेल्डिंग करके जाएंगे गेट पे, यहाँ से इतना जाने के नहीं इतने पेमिट नहीं मिलने का, ये पक्का मन बना लिया, पक्का मन बना लिया 100% नहीं उठने का कोई सा भी किसान, इतना पेमिट हमें नहीं मिलेगा। तो इस बार भी कुछ लॉलीपॉप है कि 10 दिन का बढ़ा देंगे 5 दिन का, या इस बार कम्प्लीट चाह रहे हो? नहीं, ये लॉलीपॉप भी नहीं देते, ये तो पढ़े लिखे आगे की बता दे, पहले नु कह रहे थे 15 दिन का पेमेंट दे दिया, इन्होंने एक पाड़ा पढ़ लिया, कहने का 1 करोड़ का दे दिया, 1 करोड़ में औसत लगाया गया देखे, कहने 4 दिन का गया, ये तो पढ़े लिखे हैं किसान को मान रहे हैं मूर्ख, इनका काम ही हुआ है जो कर मलक पर मिल थी सहसे जिसे वहाँ ले गए, पिछली बार 3 महीने का रोक लिया था, इबका 4 का रोक, उससे पहले 4 का रोक लिया था, इबका 5 का रोक लिया, केवल 1 महीने का पेमिट करा पूरे 17 में, और 5 महीने का 5.5 महीने का हमारा पेमिट नुकसान नहीं थम रहा, किसान बताओ कहाँ जा, किसान इन्होंने ख़त्म बना दिया बिल्कुल। तो आप देखिए 25 दिसंबर तक का पेमेंट है, इनसे बातचीत कर दें जी, बताइए भाई जी। हमारा तो ये कहना है शामली क्षेत्र का किसान ये कहेगा डीसीओ साहब, डीएम साहब, सचिव साहब, अगर इस शामली क्षेत्र के किसान ने वह वीडियो इन्हें दे दी जिसमें इन्होंने कबूल कर रखा, अब शामली मिल में जो किसान ने गन्ना डाल लिया था, उस गन्ने से जो इनकम आवे फैक्ट्री के खाते में, और वो सारा का सारा पैसा डाइवर्ट बगल कर दिया गया, ये प्रूफ है वीडियो का किसान पे, तो हमें तो ये बता दो किसान किस आगे जा करो है, यू सारा पैसा डाइवर्ट कर रखा बाहर, पूरा रिकॉर्ड है उसका, किस क्या करो किसान, या सब लिपा पोती चल रही किसान को भगा जा रहा, पैसे कमा के और बिजनेस सेट कर रहे हैं दूसरी जगह जी। ऐसा है, एक तुम्हारे सचिव साहब बैठे डीसीओ साहब है, कदी सिकल दिखावे कदी नहीं, और एक यूनिट हेड है, इन सब की मिली भगत है, किसानों का बेकूफ बना रखा है इन्होंने, चीनी कहीं इंगत इंगे पूछा दी, और रंगा इंगत इंगे पूछा दिया, और किसानों का बेकूफ बना रहे, गन्ना लेने का नाम तो डीसी और सचिव, और पैसा देने का नाम कह लेंगे जी लखनऊ चले जाओ, लगे क्या बात कहीं के बेकूफ बना रहे किसानों का, गन्ना लेने का नाम तो सचिव और डीसी, और पैसा नु कहें ले लखनऊ तो जाके, के बेकूफ बना रहे हमारा, देखे जना बेवकूफ है कुछ जानते ही नहीं। तो एक किसान बैठे, तमाम लोग बैठे हैं यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और कौन से की बताओ क्या बच्चा, ये युवा साथी भी बैठा भाई वहाँ भाई, भैया मिल वालों ने सरासर परेशान कर दिया यहाँ के किसान को, यहाँ का किसान इतना परेशान है वो अपने बच्चों की फीस वो नहीं भर सकता, कुछ सामान वो नहीं ला सकता, ठीक है जी, कुछ नहीं है, मिल ने सब कुछ अपना चीनी वगैरह सब बेच दिया, सब कुछ तहस नहस कर रखा इस इलाके को, ये इलाका भूखे मरने की कगार पे चल रहा फिलहाल, जो सबसे संपन्न जाना जाता था जी बिल्कुल। ये लोग कह रहे हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि जब से जिला बना है, जब तक डीएम का ऑफिस इस शुगर मिल के अंदर रहेगा, परिसर में रहेगा, तब तक कोई अधिकारी कोई कर्मचारी किसानों की सुनने वाला नहीं है, और बात भी सही है इनकी, जहां 15 दिन के वादे होते थे, हर बार चुनावी रैलियों में बड़ी बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए होती है, लेकिन 25 दिसंबर तक का पेमेंट इस शामली मिल का हुआ है, और अब सितंबर चल चुका है, लगभग 250 दिन पीछे पेमेंट है, जो 15 दिन की बात करते थे वो 250 दिन पीछे ये गन्ना पेमेंट यहाँ पर चल रहा है, और किसान जाए तो जाए कहाँ, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोज़मर्रा के जीवन में जो भी खर्च होते हैं उसके लिए अगर किसान भटक रहा है तो जाए कहाँ। तो आप भी इस खबर को जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश।